देखिए सर, यहाँ पे नाइट ड्यूटी में नर्सिंग स्टाफ थी ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पे ना डॉक्टर ईशांत आए थे, उन्होंने अपनी जब ऑपरेशन हो चुका है, पेशेंट जा चुका है, तो फिर अगर कोई डॉक्टर आता है, रेजिडेंट डॉक्टर आता है, आप आए हो तो आपको पहली क्वेरी होती है कि पेशेंट जा चुका है, जब पेशेंट उनके सामने वार्ड में शिफ्ट हो गया है तो ड्यूटी के बाद वो डॉक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर में क्यों आया? उससे पूछा कि तुम्हारा कोई सामान वगैरह, जब कुछ भी नहीं रहा तो वो वहाँ पे करना क्यों, क्या करने आया? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है, उसके मन में गलत था इसीलिए वो आया, क्योंकि उसको पता था कि इस पे, इस नाइट ड्यूटी पे इस महिला कर्मी की नाइट ड्यूटी है और मुझे जाना है और उसके साथ क्या करना है। महिला कर्मी का कहना है कि मैं गई थी, वो क्या होता है सर कि हमारे ऑपरेशन हो जाते हैं, उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग धोते हैं, धोने के बाद उनको ईटीओ के लिए भेजा जाता है, तो वो धो रही थी। अब आप बताइए, कोई आता है डोर बेल बजाता है, कुछ भी कराता है, तो एक अकेली नर्सिंग कर्मी रहती है और उसके साथ एक वार्ड लेडी रहती है, वार्ड लेडी सफाई करती है, नर्सिंग कर्मी इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर आप आते हो, गेट खोलते हो और फिर बोलते हो कि गेट खोला नहीं, तुमने गेट क्यों करा है? तो भाई आप अगर वो अपना काम कर रहा है, कर्मचारी रात के 2:30 बजे काम कर रहा है और आप तो कि कौन हो तुम, मास्क खोलो, तो बोले उसने कहा मैंने मास्क क्यों खोलूं सर, आप बताइए आपको क्या काम है? तो बोले मेरी इच्छा जो होगी मैं अपनी इच्छा पूरी करने आया हूँ। आज किसका पुतला जलाया यहाँ पर, किस तरह का किसका पुतला जलाया? डॉक्टर ईशान और अनिल जैन साहब, डॉक्टर अनिल जैन सर का और ईशांत का। अभी क्या वार्ता हुई क्या? तो अभी अंडर प्रोसेस है। मेरी बात सुनिए, हम नर्सिंग स्टाफ है और हमारा जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है, हमने कभी किसी, हमारे लिए सर्वप्रथम धर्म ही मानवता होती है, इसीलिए हमारे आधे कर्मचारी है ना न्याय की गुहार कर रहे हैं और आधे कर्मचारी है ना लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये है, लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे वार्ड में, हमारे इमरजेंसी वार्ड में, ICU में सब जाके कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। अगर सारा स्टाफ यहाँ आ जाता तो आज यहाँ की है ना डेथ रेट आपके सामने होती है। यशोदा जींगर, रात के 2 बजे की घटना है और लगभग अभी 2:30 से 3 बज गए, लगभग 12 घंटे हो गए हैं। महिला कर्मचारी जिसके साथ उत्पीड़न किया गया, मारपीट की गई है, उसको 12-13 घंटे बाद भी न्याय नहीं मिला है, तो गुस्सा आए हुए नर्सिंग कर्मचारियों ने सुप्रिटेंडेंट अनिल जैन साहब का पुतला फूंका है, साथ में जिस डॉक्टर ने वारदात की है उसका पुतला फूंका है। मैं गंगा शरण जाटव, जिलाध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर।